हे गाइस, अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ साथ हमारे बेल के आइकन को क्लिक करके आप हमारी आने वाली और सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और याद रहे, अगर आपने बेल के आइकन को क्लिक नहीं करा तो आप हमारी आने वाली वीडियो को मिस कर देंगे। हे गाइस, दिस इज योर विजय हेयर और वेलकम बैक टू आवर क्लास। बहुत बहुत स्वागत है आपका ईट पाठशाला के चैनल में। तो चैप्टर फर्स्ट है हमारा, जिसका चैप्टर का नाम है ईंटें, मनके और अस्थियाँ, यानी कि ब्रिक्स, ब्रेड्स एंड बोन्स। सो गाइस, ये वैसे तो इंडस वाले सिविलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, और यानी कि हड़प्पा सभ्यता जिसे बोलते हैं हम, सिंधु घाटी की सभ्यता बोल लीजिए या इंडस वाले सिविलाइजेशन बोल लीजिए, हड़प्पा सभ्यता बोलिए, सब एक ही नाम है। ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता सबसे विशिष्ट, यानी कि सबसे मेन जो है वहाँ पे है पुरानी पुरानी वस्तुओं का मिलना। जैसे कि यहाँ पे एक हड़प्पाई मोहर है, यानी कि इसे सेल खड़ी नामक एक पत्थर से बनाई गई। इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र एक ऐसी लिपि के चिन्ह को बताता है कि जिससे बताया जा सकता है कि वो लोग अभी तक पढ़े नहीं जा सकते थे। मतलब ऐसे चिन्ह इन लोगों ने बनाए हैं इन मोहरों के ऊपर कि अभी भी इम्पॉसिबल इनको समझ पाना कि भाई ऐसे स्टम्प या ऐसी चीज़ें क्यों बनाई गई होगी। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें यूनिकॉर्न बना हुआ है, एक लैंग्वेज टाइप कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, पर हाँ ये है सेल खड़ी नामक एक पत्थर है उसे बनाया गया, ये तो कन्फर्म है। अब यहाँ पर फिर भी हम क्या कहते हैं, इन क्षेत्रों में उस समय बसे रहने वाले जो लोग हैं उनके जीवन के बारे में, जो भी उन लोगों ने अपने टाइम पीरियड पे जो वस्तुएं छोड़ी थी, जैसे कि उनके रहने वाले स्थान, उनके मृत भांड, मतलब जो सामान थे वो, उनके आभूषण, उनके औजार, उनके द्वारा मोहरें जो यूज़ करी गई थी, मतलब ये सारी चीज़ें हमारे साक्ष्य हैं, यानी कि एक प्रूफ है, एक स्रोत है जिनके माध्यम से हमें इनकी मदद मिल सकती है इनके बारे में थोड़ा जानने के बारे में। दिस इज़ ऑल अबाउट कि भाई हम चैप्टर के अंदर यही समझेंगे कि पूरी तरीके से हड़प्पा सभ्यता सिर्फ और सिर्फ सबूतों और गुनाहों के मद्देनज़र रखते हुए ही बताया जाता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हमें मिलती है हम उनके बेस पे ही पढ़ेंगे। जैसा कि अब हम आगे पढ़ेंगे, अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या कैसे जानते हैं हम इनके बारे में, इनकी व्याख्या अलग अलग कैसे बदल सकती है आज की डेट में। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू हो सकते हैं और आज भी हमें इनकी जानकारी नहीं है और शायद से हो सके आगे मिले भी ना। तो अगर इस चैप्टर की शुरुआत करें हम लोग, तो हमें आरंभ से यानी कि शुरुआत से जानना होगा इसके बारे में। जैसा कि यहाँ मैंने बताया आपको कि इस क्षेत्र का में विकसित जो भी हड़प्पा से पहले कई संस्कृति जो थी वो अस्तित्व में आई थी। अब यहाँ पे उनके संदर्भ में हम उनके बारे में कहाँ से पता कर सकते हैं, जैसे कृषि उनकी कैसी रही होगी, उनका पशुपालन कैसा होगा, या अगर वो चीज़ें बनाते होंगे तो उनके शिल्पकार यानी कि क्राफ्ट हैंड जो होता था वो कैसे होता होगा। और यहाँ पर ये देखा गया कि आमतौर पर जो छोटी बस्तियाँ होती थी, मतलब जो इलाके हुआ करते थे वो ज़्यादा बड़े नहीं होते थे, आमतौर पर वो छोटी बस्तियों के अंदर रहते थे। बड़े आकार के जो मकान थे वो काफ़ी कम पाए गए थे शुरुआती समय में। कुछ ऐसे स्थान भी मिले जहाँ पर ऐसा दिखाया जाता था कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर लोग माइग्रेट होकर चले जाते थे, मतलब ये सारी चीज़ें उस टाइम पे मिली। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट इसके अंदर ये देखी गई कि जिस तरीके से वो अपना खान पान करते होंगे, यानी कि जो खाना पीना, यानी कि निर्वाह के तरीके आप समझ सकते हैं, और हर इंसान पहले के टाइम पे बड़े बड़े क्या कहते हैं आपके नदियों के पास बसता था, तो ये लोग भी हड़प्पा जो सभ्यता बसी थी वो सिंध नदी के आसपास बसी थी, इसलिए वो लोग अपने निर्वाह के तरीकों के अंदर बहुत चीज़ें खाते पीते रहते होंगे, क्योंकि खाना पीना तो वैसे भी ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पे बोल सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त जो भी उत्पादन उन्हें मिल पाता होगा, सूखे बेर या जो भी उस समय मिलता था वो खाते थे। जानवरों को मारना, उनका शिकार करना, उसके बाद साथ साथ में मछलियां जो भी पानी से प्राप्त इलाकों में मिल जाती थी, उन सभी चीज़ों से ये लोग अपने भोजन की प्राप्ति करते थे। तो इन तरीक़ों से देखा गया कि ये लोग सिर्फ पेड़ पौधों पर ही नहीं बल्कि जानवरों और मछलियों पर भी निर्भर होते थे अपने खान पान के लिए। कहीं कहीं तो ये भी देखा गया कि जले हुए अनाज के दाने, बीज की खोज,
इन सभी चीज़ों से ये पता चलता है कि पुरातत्व वेदा जो थे, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों ने आहार के आदतों को बताया और उनकी जानकारी प्राप्त करने में काफ़ी सफल रहे। तो आप इन्हें समझ सकते हैं कि इनके अध्ययन से इन लोगों ने पता करा होगा कि हाँ भाई, प्राचीन काल में जो वनस्पति के अध्ययन करने वाले लोग होंगे, उन्होंने इसके बारे में पता किया होगा। उन लोगों ने यही नहीं, इवन उन लोगों ने ये भी देखा कि अनाज के दानों में उन लोगों ने गेहूं देखा, उन लोगों ने जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल, ये सारी चीज़ें उन लोगों ने देखा कि उनके इलाकों में मिलती थी, जहाँ जहाँ हड़प्पा सभ्यता विकसित रही होगी वहाँ पे। बाजरे के दाने ज़्यादातर उन्हें गुजरात के स्थानों पर मिले, चावल के दाने उन्हें ज़्यादा तो नहीं मिल पाए, तो पर थे थोड़े बहुत भी। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो मेरा क्वेश्चन का है, वो यही है कि हड़प्पा स्थल में मिली जाने वाली जानवरों की हड्डियाँ भी उस टाइम पे थी, और उन हड्डियों में से ये भेड़, बकरियाँ, भैंस, सूअर, इन सब की हड्डियाँ यहाँ पर शामिल थी। और जो लोग क्या कहते हैं, उस समय पे प्राणी वैज्ञानिक थे, यानी कि जो इनकी पढ़ाई करते होंगे, उन्होंने ऐसा अध्ययन करके बताया कि ये सभी जानवर उस टाइम पे उनके लिए पालतू रहे होंगे उनके लिए, और जो जंगली प्रजातियां जैसे कि सुअर हो गया, हिरण हो गया, घड़ियाल हो गया, इन सब की भी हड्डियां उन लोगों को मिली थी। इन सभी चीज़ों से पता चल सकता है कि ये लोग हड़प्पा निवासी के जो लोग थे, वो शिकार भी करते होंगे, और साथ साथ में वो लोग इनके मांस जो भी होता होगा उनको खाते होंगे, और मछलियाँ, पक्षियाँ, ये सब, इन सब की हड्डियाँ मिली, जिससे ये पता चल सकता है कि हाँ, ये लोग शायद से नॉन वेजिटेरियन भी होंगे। तो उस टाइम पे और ज़्यादा चीज़ें तो रही नहीं होगी, मोमोज जैसी चीज़ें, लेकिन आज की डेट में दिल्ली में वैसे तो मोमोज फेमस है, लेकिन उस टाइम पे तो नहीं थे। तो जो उन्हें प्राप्त होता था, तो वो लोग उसके हिसाब से खाया करते थे। तो सबका एक अपना तरीका था, तो इनका भी एक अपना तरीका था। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, यानी कि कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में बात करें, तो ऐसा माना जाता है कि उस टाइम पे एक मोहर पाई गई थी, मतलब क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के अंदर मोस्टली मोहर ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती थी। उसमें एक विशेष जानकारी ये मिलती है कि वृषभ के विषय में जानकारी मिलती है। वृषभ समझते हैं आप, किन्हें बोलते हैं? जिन्हें बोलते हैं हम बैल, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये किसी मोहर के अंदर, स्टम्प के अंदर लगी हुई थी, जिससे हाँ जानकारी ये मिलती है पुरातत्व वेदाओं को कि शायद से बैलों का इस्तेमाल उस समय खेत जोतने के लिए किया जाता होगा। इसीलिए कुछ स्थान ऐसे थे जहाँ पर काली बगान यानी कि राजस्थान, और कुछ हरियाणा वाले क्षेत्र जैसे कि बनावली, ये क्षेत्र आपको मैप में भी दिखाई दे रहे होंगे, और मैं मैप में दिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ये दो क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ये पाए गए प्रमाण कि उस टाइम पे शायद से वहाँ पे हल चलाए गए होंगे, और हल चलाने के सबूत उन्हें बैलों से मिले थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे वृषभ जो है एक स्टंप के अंदर, एक मोहर के अंदर उसका चित्र बनाया हुआ था। तो शायद से ये लोग उस समय पे इस पद्धति से वाकिफ भी रहे होंगे। दूसरा, इसके साथ साथ ये देखा गया कि इन खेतों को समकोण बेस पे काटा गया, शायद से ये इसलिए काटा जाता होगा कि उस समय दो अलग फसल लगाई जाती होगी। और कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि इन लोगों ने लकड़ियों के जो हत्थे होते हैं उसमें फलकों को बैठाया होगा, जिससे ये लोग फिर औजार का भी इस्तेमाल करते होंगे। तो मतलब ये टेक्नोलॉजी बोल लीजिए उस टाइम पे, जो उस लेवल पे उन लोगों ने करी होगी अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और उसके बावजूद जहाँ जहाँ पे सूखे इलाके होते थे, जहाँ पे पानी नहीं पहुँच सकता था, सिंचाई की आवश्यकता होती थी, जैसे कि अफगानिस्तान है, वहाँ पे नहर के कुछ अवशेष मिले तो थे, कुछ पंजाब और सिंध के अंदर भी मिले थे, लेकिन अब कुओं के प्रूफ मिलते हैं। लेकिन जहाँ पे पानी नहीं होता था, वो लोग वहाँ पे जलाशय बनाया करते थे, सिंचाई के लिए जलाशय बनाए जाते थे। इसके अतिरिक्त एक जलाशय धोलावीरी, यानी कि गुजरात के अंदर धोलावीरी आपको दिखाई दे रहा होगा मैप के अंदर, धोलावीरी वहाँ से एक जलाशय मिला, जिससे ये साबित होता है कृषि के लिए जल जो होता होगा शायद से उन जलाशयों से लिया जाता होगा। तो ये वो जलाशय है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, 1.5 पे धोलावीरी से मिला एक जलाशय। इसके राजगीर कार्य पर ध्यान दिया गया है कि किस तरीके से ये बनाया गया। अब इसमें तो खैर किताब के अंदर तो ऐसे ही दिखाया जाएगा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, यानी कि गुजरात के अंदर ये पाया गया है। देखिए मोहनजोदारो का नक्शा ना, मतलब आपको मैप के थ्रू दिखाई दे रहा होगा मोहनजोदारो का नक्शा, इसमें निचले शहर के दुर्ग को किस प्रकार भिन्न कर रखा है दुर्ग से, निचले शहर को किस प्रकार दुर्ग से भिन्न कर रखा है।
मतलब इसमें बताया हुआ है कि सबसे पहले तो आप मोहनजोदड़ो समझिए। देखिए मोहनजोदड़ो जो है एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये हड़प्पा सभ्यता जो है मोहनजोदड़ो ओ सॉरी मोहनजोदड़ो जो है वो हड़प्पा सभ्यता का एक पार्ट है। ऐसा ही सेम टू सेम आप बोल सकते हैं कि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरातत्वों में से एक है। मतलब एक तो सबसे विशाल मानी गई और इसकी वजह से सबसे बड़ी है ये, और सबसे पहले खोजे गए स्थलों में से यही मोहनजोदड़ो है। अब देखिए इसकी खासियत क्यों है, इसके ऊपर क्वेश्चंस क्यों आते हैं, ये और साइट से इम्पोर्टेंट क्यों है, ये जबकि बात बताई जा रही है जब इंडिया और पाकिस्तान एक था और उस समय पे मोहनजोदड़ो की साइट को खोजा गया था। उस टाइम पे हमारे पास कोई आर्किटेक्ट जैसी प्रणाली थी नहीं कि हमारे पास एक कंप्यूटर था और हम उस किसी लैंड को एक अच्छी तरीके से बना सके और वेल फर्निश्ड करके पूरे रास्तों को, चौराहों को, गलियों को, एक एक हिस्से को सही तरीके से नाप के बता सके कि इतना इलाका होना चाहिए, इतना इलाका नहीं होना चाहिए। बट 2600 BC की बात हो रही है, BCE की बात हो रही है, और उस टाइम पीरियड पे ऐसी द्वारका जैसी कॉलोनी, नोएडा सेक्टर जैसी कॉलोनी उस टाइम पे लोगों ने काट के दिखाई थी। आप बोल सकते हो वेल प्लान्ड बिल्कुल सिस्टम था यहाँ पर, इसीलिए मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा अच्छा बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बस्तियाँ दो भागों में विभाजित थी, एक छोटी लेकिन ऊंचाई पर बनाई गई थी और दूसरी उससे कहीं दूर लेकिन ऊंचाई पर बनाई गई थी। अब आर्कियोलॉजिस्ट इनके बारे में बहुत तगड़ा संशोधन लगाते हैं और बहुत कुछ सोचते हैं कि भाई सही मायने में हो क्या सकता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं था, इन्होंने क्या करा, इन्होंने बस उसका नाम दे दिया दुर्ग और निचले शहर का नाम दे दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई के कारण यह है बताया गया कि वहाँ पे जो संरचनाएं हैं वो कच्ची ईंटों के चबूतरों से बनी हुई है, और दुर्ग यानी कि जो हाइट पे था, लंबी हाइट पे था, उनको चारों दीवारों से घेर रखा है, जिसका अर्थ ये बताया जाता है कि शायद से उसे निचले शहर से अलग रखा गया होगा। मतलब ये सारी की सारी एक परसेप्शन बना रखा है। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप मोहनजोदड़ो जो आपकी ऋतिक की मूवी आई थी, ऋतिक सर की मूवी आई थी, आप उनके बारे में देखेंगे तो इसमें आपको पूरा एक थोड़ा सा झलक दिखाई देगा इस चैप्टर के बारे में। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी मैम कहती हैं कि आप ये फिल्म देख लीजिए, सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको समझ में आ जाएंगे, तो ये सब बुलशिट वाली बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो सब एक सिर्फ और सिर्फ फैक्ट के बेस पे थोड़ी बहुत अपनी राइटर्स जो होते हैं अपने हिसाब से सोच समझ के फिल्मों को बनाते हैं, लेकिन सही मायने में जो आर्कियोलॉजिस्ट है ये भी तो एक सबूतों के बेस पे ही चीज़ों को बता पा रहे हैं। तो इसीलिए आप अपनी सोच और समझ से ही चीज़ों को समझिएगा ताकि आपको समझ में आए, प्रैक्टिकली समझ में आए कि हाँ भाई रियल मायने में हमारे लिए कितना सफिशेंट है और कितना ज़्यादा हो सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उतना ही बताया जाए जितना आपके लिए यूज़फुल भी हो, आप कैपेबल भी हो, आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ होए। तो देखिए यहाँ पे निचले शहर की जो दीवारें हैं वो भी घेरी गई थी, लेकिन इसके अतिरिक्त कई भवन जो थे वो ऊंचे चबूतरों पे बनाए गए थे और जो नींव का कार्य करते थे। अब ऐसा अनुमान लगाया जाता था कि अगर इतनी वेल स्ट्रक्चर बिल्डिंग बनाई गई होगी तो उसमें कितने श्रमिकों को प्रतिदिन काम करना पड़ता होगा, तो इसीलिए बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ती होगी अगर ये निचला दुर्ग और क्या कहते हैं निचला शहर या दुर्ग जो है उसका निर्माण अगर किया जाता है। इट वॉज जस्ट अ नेम, आप ज़्यादा कन्फ्यूज़ मत होना दुर्ग और निचला शहर। दुर्ग मतलब वो हाइट पे है, दूर है इसलिए उसका नाम दुर्ग है, निचला शहर क्योंकि नीचे हाइट पे इसलिए उसका निचला शहर दिखाया गया। शायद से इन दोनों के बीच में ये डिस्क्रिमिनेशन करने की कोशिश की गई होगी कि भाई ये लोग शायद से दुर्ग के अंदर निचले शहर के लोगों को आने ना देते हों, मतलब ऐसा कुछ। तो अब ये और बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो जिस तरीके से प्लानिंग करी गई थी मतलब इस शहर को बनाने के लिए, उनमें ईंटें तो शामिल थी, ईंटों की नपाई, हाइट, चौड़ाई वो आप बाद में भी देख सकते हैं, ईंटों का कोई साइज़ पर्टिकुलर नहीं था। अब ऐसा होता था कि शायद से या तो उन्हें धूप में रखकर सुखाया गया होगा या उन्हें भट्टी में पकाया गया होगा, है ना। अब एक निश्चित अनुपात की होती थी जहाँ पर लंबाई, चौड़ाई क्रमशः 4 गुना और दुगनी, ऐसी कुछ ईंटों का साइज़ बता रखा है। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई है।
कुछ तीन चार सिस्टम की टाइप ईंटें थी, जिसकी वजह से क्या कहते हैं यहाँ पर इतना बड़ा दुर्ग और इतना बड़ा निचला शहर बनाया गया था। आपको मैप में मैंने पूरा दिखा दिया है कहाँ पे पाया गया है। अब हमने ये तो समझ लिया कि मोहनजोदारो की जो ईंटें थी वो किस प्रकार से यूज़ होती होगी। अब यहाँ पे जो नालों का निर्माण होता था, मतलब क्योंकि जल निकास की प्रणाली बहुत अच्छी होनी चाहिए, इसलिए वो कोशिश करते थे कि जो पानी का सिस्टम होगा, जी पानी आएगा जाएगा कैसे, तो उसकी प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अगर निचले शहर के नक्शे को देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि सड़कें और गलियां ना लगभग एक अच्छी तरीके से ग्रिड पद्धति में बनाई गई है, और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती है। समकोण आप समझ सकते हैं, समकोण ट्रायंगल, जिस बच्चों ने पढ़ा होगा वो समझ पाएगा कि समकोण ऐसा कुछ होता है और एक दूसरे को मतलब बहुत बढ़िया ढंग से काटती हैं। इससे ये पता चलता है कि शायद से पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया होगा और फिर उसके अगल बगल में शायद से निर्माण किया गया होगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता था कि यहाँ के जो घर होते थे उनके गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था, और प्रत्येक घर में कम से कम एक दीवार की गली से सटा होना आवश्यक होता था ताकि जो पानी की व्यवस्था है वो सही तरीके से आ जा सके। तो अब सेम वही, अगर घर के आर्किटेक्ट की बात करें तो मतलब एक अलग ही सीन था यहाँ पे, कि यहाँ पे इसमें कई एक आंगन होते थे, मतलब एक आंगन होता था जिसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे, और नॉर्मली यही होता होगा कि आंगन में शायद से खाना पकाना या कताई करने जैसे काम का यूज़ किया जाता होगा। मतलब आप ये देख सकते हैं कि उस टाइम पे जो घरों का सिस्टम बनाया गया था, उस समय खिड़कियां हुआ करती थी एक नॉर्मल हाइट पे, और उससे ताकि वही रोशनदान वाला काम करती होंगी, सूरज की किरणें ताकि आसानी से आ सके। और इवन यहाँ तक देखा गया कि जो घर के बाथरूम हुआ करते थे, स्नान गृह हुआ करते थे, वो ईंटों के फर्श से बनाए जाते थे ताकि पानी की व्यवस्था अच्छी तरीके से आ जा सके। जहाँ स्नान घर होता था वहाँ पे जो नालियाँ होती थी दीवार के माध्यम से सड़कों की नालियों में जाके मिल जाती थी, वो मतलब इतना तगड़ा सिस्टम जैसे आज की डेट में हमारे यहाँ पर भी है कि जो वॉशरूम होगा या जो भी होगा उससे एक पाइप जाएगी और वो डायरेक्टली सीवरों से कनेक्ट होगी छोटे नालों से, फिर वो बड़े नालों में मिल जाएगी। और उस टाइम पे इन लोगों ने सिस्टम बनाया था, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इवन कुछ कुछ शहर तो ऐसे देखे गए, सॉरी कुछ कुछ जगहें तो ऐसी देखी गई कि वहाँ पे दो तल, यानी आप समझ सकते हो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, मतलब छत पर जाने तक सीढ़ियाँ भी दिखाई गई, क्योंकि अगर सीढ़ियाँ ऊपर तक जा रही है तो शायद से सेकेंड फ्लोर वहाँ पर हुआ करता होगा, मतलब सेकेंड फ्लोर तक वहाँ पर थे। यहाँ पर यह भी देखा गया कि कई आवासों में कुएं थे, मतलब आवास समझ सकते हैं जहाँ पे रहने वाले लोग हुआ करते थे, वहाँ पे कुएं पाए जाते थे, वेल्स पाए जाते थे। और इवन यहाँ तक देखा गया कि अगर वो लोग क्या कहते हैं कुओं का बना सकते होंगे, तो शायद से जो आने जाने वाले राहगीर हुआ करते थे शायद से वो उनका यूज़ किया करते होंगे। कई विद्वान तो ये अनुमान लगाते हैं कि मोहनजोदारो में कुल क्या कहते हैं आपके लगभग 700 कुएं थे, मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 700 कुएं का मतलब ये है कि शायद से हर हर घर का एक अपना पर्सनल कुआं हुआ करता होगा, तो ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। तो इसके साथ साथ अगर हम दुर्ग की बात करें, मतलब जो इलाका थोड़ी हाइट पे पाया गया था वहाँ पर, इवन ये देखा गया कि आप यकीन नहीं मान सकते, यहाँ पे आपको माल गोदाम दिख रहा होगा मैप के अंदर, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक ऐसी चीज़ें बताई गई कि शायद से जो माल गोदाम होते थे वो काफ़ी विशाल संरचना में बनाए गए थे, मतलब शायद से अगर ये लोग कृषि इनका मेन काम था तो इनके लिए भंडार के लिए एक जगह होनी ज़रूरी है, तो ये भंडार के लिए माल गोदाम का यूज़ करते होंगे, जहाँ पे ये लोग आपके अच्छी तरीके से उस माल गोदाम का यूज़ करते होंगे। और उसकी वजह से क्या कहते हैं यहाँ पे ये देखा गया कि जो निचले हिस्से थे शायद से वो ईंटों से बनाए गए होंगे, और जबकि उसका ऊपरी हिस्सा जो था वो लकड़ी से बनाया गया होगा। अब लगभग इतना टाइम बीत चुका है तो लकड़ियाँ तो समय समय तक रहेगी नहीं, ईंटें तो थी वहाँ पे संभव पता चलता है। इससे ये पता चलता है कि शायद से सेकंड फ्लोर तक वहाँ पे सामान इकट्ठा करने के लिए बड़ा विशाल माल गोदाम, यानी कि गोडाउन जिसे आप बोलते हैं, सामान रखने के लिए, गेहूं रखने के लिए, या राजा अगर उधर हुआ करता होगा तो शायद से ये लोग उस टाइम पे इस्तेमाल करते होंगे इस बड़े बड़े माल गोदाम का। साथ साथ में विशाल स्नान गृह,
ये भी शामिल है। आपको ये विशाल स्नान गृह ये दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट। अब देखिए इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं विशाल स्नान गृह के ऊपर, ये जलाशय के ऊपर। इसमें ये बताया गया है कि आंगन में बनाया एक आयतकार जलाशय जो चारों ओर से एक गलियारों से घिरा हुआ था। आपको दिखाई दे रहा होगा ये गलियारे चारों ओर से यहाँ पे बनाए गए हैं। इसके साथ साथ में भी यहाँ पे कुछ जलाशय और कुछ कमरे बनाए गए हैं ताकि यहाँ पे लोग अनुष्ठान के लिए आ जा सके। ये एक तरीका है जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आसानी से रहते थे। अब जो विशाल स्नान गृह है वो एक आयतकार जलाशय में बनाया गया था। इसके चारों तरफ एक गलियारे हुआ करते थे और जलाशय के लिए तल तक जाने के लिए उसके उत्तरी भाग में दो सीढ़ियां बनाई गई थी। अब पूरा मैप मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा। दो सीढ़ियां एक चढ़ने उतरने के लिए बनाई गई है। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर जिप्सम के गैर का प्रयोग इस जलभृत के लिए किया गया है ताकि इस्तेमाल किया जा सके इसका। इसके तीनों ओर कक्ष बनाए गए हैं जिसमें में से एक एक बड़े कुएं अलग बनाए गए हैं। मतलब ये पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है उस विशाल स्नान गृह के बारे में जिसे आप द ग्रेट बाथ बोलते हैं, वो इलाका जहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये बहुत ही एक उम्दा, मतलब एक आर्किटेक्चुअली आप बता सकते हैं कि इतना खतरनाक तरीके से इन लोगों ने बनाया है इसको। अगेन अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चले कि मोहनजोदड़ो के अंदर जो सामाजिक विभिन्नताएं पाई जाती थी, मतलब हम निचले दुर्ग और मोहनजोदड़ो के जो उच्च ऊपरी दुर्ग है अगर उनके बारे में स्टडी करें तो हम इनके बारे में ढंग से आंकलन नहीं कर पाते, ढंग से स्टैटिक का पता नहीं चल पाता कि उन लोगों में क्या डिफरेंट होगा। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि देखो जो डेड बॉडीज़ होती थी ना उनके माध्यम से जब उनको दफनाया जाता होगा तो शायद से उनमें कुछ डिफरेंट देखा जा सके। इसकी वजह से हम पता कर सकते हैं कि शायद से इनमें कुछ डिफरेंस हो, उनके सामाजिक जीवन के अंदर कुछ डिफरेंट पाया जाए, यानी कि सामाजिक और आर्थिक बेस पे कुछ डिफरेंस होगा। तो उसे ये बोल सकते हैं कि जैसे एग्जांपल के लिए ये देखा गया कि हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में कुछ ऐसे डेड बॉडीज़ मिलती हैं जब इंसानों को मरने के बाद उनको दफनाया जाता होगा तो कुछ बड़े बड़े लोग हो या फेमस लोग हो उनकी तरफ चारों तरफ क्या कहते हैं जब दफनाया जाता था तो वो एक दूसरे से भिन्न पाए गए। जैसे कुछ स्थानों पर ईंटों की चिनाई की गई है और फिर उसको दफनाया गया है और कुछ स्थानों पे वो ऐसे ही पाए गए हैं। तो एक तो ये डिफरेंट देखने को मिलता है। कुछ कब्रें ऐसी है जहाँ पर उनके साथ साथ मित्र भांड और आभूषण जो है वो मिलते हैं और ये इसकी तरफ ये इशारा करती है कि शायद से मरने के बाद भी ये लोग इन चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे। ये चीज़ें मृत भांड आभूषण गहने ये सब सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं बल्कि महिलाओं के साथ भी ऐसे चीज़ें देखने को मिलती है कि वो कीमती आभूषण तो नहीं पर फिर भी डेड बॉडीज़ के साथ कुछ ना कुछ छोड़ के जाया करते थे। तो ऐसा एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है, कहीं कहीं पर यह एग्जाम्पल देखने को मिला है कि मृतकों के साथ तांबे के दर्पण भी दफनाए गए थे और बहुत इम्पोर्टेंट माना गया। और एक बार तो ये कुछ ज़्यादा ही फेमस था कि 1980 के दशक में हड़प्पा के माध्यम में एक कब्रिस्तान मिला। जब उसकी खुदाई करी गई तो उसमें पाया गया कि खोपड़ी के पास में एक शंख पाया गया और मन के और सैकड़ों की संख्या में बहुत छोटी छोटी मात्रा में मन के पाए गए, आभूषण पाए गए। इससे भी ये पता चलता है कि शायद से ये लोग मरने के डेड बॉडीज़ के साथ जब वो जाते होंगे तो ये उनके साथ कुछ ना कुछ सामान छोड़ के जाया करते थे। तो ये तो होगी डेड बॉडीज़ की बात जहाँ से आपको असमानताओं के बारे में पता चलेगा। लेकिन अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल है उनकी विलासिता की वस्तुएं, मतलब जो वो रोज़मर्रा के अंदर इस्तेमाल करने वाली चीज़ों को प्रयोग में लाते होंगे उनमें क्या डिफरेंट होता होगा। जैसे कि रोज़मर्रा की उपयोग की जाने वाली जितनी भी चीज़ें होती थी चाहे वो पत्थरों से बनी हो चाहे वो पकी हुई ईंटों से बनी हो उन दोनों में क्या डिफरेंट पाया जाता था। उनके हिसाब से ये देखा गया कि भाई ये वस्तुएं समानता बस्तियों के अंदर तो हर जगह पाई जाती होंगी लेकिन शायद से वो चीज़ें महंगी होती होंगी जो बहुत ही कम पाई जाती होंगी या वो बहुत वो महंगी होंगी। इसके हिसाब से पूरा जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने पता लगाया है कि भाई विलासिता की वस्तुएं अगर कम हैं और सिलेक्टेड लोगों के पास हैं तो शायद से
बर्तनों के इस्तेमाल से भी देखा जा सकता है कि इनमें कुछ सामाजिक बदलाव होंगे। जैसे इन लोगों ने दिखाया है फाइनेंस से बना एक पात्र दिखाने की यहाँ कोशिश करी गई है। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे ये पता चलता है कितना कीमती रहा होगा, क्योंकि ये घिसी हुई रेत और बालू और तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण, इन सबको पकाकर बनाया गया था, क्योंकि कीमती माने जाते थे ये लोग और इसे बनाना कठिन था। इस वजह से कह सकते हैं कि विलासिता की वस्तुएं सभी के पास नहीं होगी। तो ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदारो के अंदर ही ऐसी महंगी चीज़ें पाई गई होंगी या अंतर पाया गया होगा, जबकि उसके अपोजिट में अगर हम बात करें कि मोहनजोदारो से अलग जो काली बंगान है वो जो है वो क्या कहते हैं छोटी बस्तियों में ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि मोहनजोदारो के अंदर तो चलो एक लघु पत्र मिला अभी जो फाइनेंस फाइनेंस से बना हुआ है और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट भी था, लेकिन ये काली बंगन जैसी जगहों पे नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पे सोना जो था वो भी बहुत कम मिला था, जबकि मोहनजोदारो के अंदर सोने की मात्रा ज़्यादा पाई गई थी। तो इन सभी चीज़ों के बेस पे हम बोल सकते हैं कि शायद से उनके उनमें सामाजिक कुछ डिफरेंट देखा गया हो, कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो हमें मोहनजोदारो या दुर्ग या निचला शहर या आपके जितने भी हमें सबूत मिलते हैं उन इलाकों के अंदर अगर हम देखें तो काफ़ी हद तक हमें क्या कहते हैं जगहें मिलती है जहाँ पे हम लोग धातु से बनी हुई चीज़ें जैसे मोहर निर्माण है, बाट बनाना है, जो मन के जो हम गलों के अंदर पहनते हैं, मतलब जो एक सामान जैसे थोड़ा सा एक अलग स्पेशलिटी दिखाई देती है, शंख की कटाई, ये सारे के सारे काम जो है शिल्प उत्पादन के कार्यों के अंदर आते हैं। इन सभी का निर्माण क्या कहते हैं, इन सभी का निर्माण मोहनजोदारो के अंदर, मोहनजोदारो क्योंकि एक बहुत बड़ा सा है लेकिन उसमें एक छोटी सी बस्ती है जो लगभग 7 हेक्टेयर में ही बसी हुई है, उसके अंदर जिन्हें जुन हुदड़ो बोलते हैं, जुन हुदड़ो जो है यहाँ पे पाई गई है। अब नाम है थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन यहाँ पे मोस्टली ये सारे काम पाए जाते थे। अब देखिए जो मनके बनाए जाते थे ना, यानी कि जो मालाएं बनाई जाती थी उन सभी के अंदर, मनकों के अंदर ये देखा जाता था कि उन सभी के लिए कुछ अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे कार्नीलियन जो है ये बताया हुआ है, कार्नीलियन, उसके बाद जेस्फर, स्फीटिक, इस वाटर्स, कुछ और कुछ ऐसे पत्थर जैसे सेलखड़ी के पत्थर, जैसे तांबा, कांसा, सोने जैसे धातु, शंख, फायंस और पकी ईंटें, सभी का प्रयोग मन के बनाने के लिए होता था। तो देखिए यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि ये सारी की सारी चीज़ें अब एक स्थान से तो उपलब्ध होती नहीं होगी। मनकों को दो या दो से अधिक पत्थरों को आसपास में जोड़कर बनाया जाता था और कुछ सोने के को टॉप वाले पत्थरों के होते थे और इसके कई आकार होते थे, जैसे कि ये स्क्वायरिकल शेप में हो सकता है, सिलेंड्रिकल शेप में हो सकता है, क्यूबिकल शेप में हो सकता है, इवन ढोलकाकार शेप, इसको कैसे बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, ओवल शेप आई थिंक इसको बोलते हैं। इन सभी चीज़ों के अंदर क्या कहते हैं इसकी शेप बनाई जाती थी जिसकी मदद से ये लोग मन के हैं या जो भी इस्तेमाल होते थे उस टाइम पे उनकी चीज़ों का, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके ये उन सभी धातुओं को बनाया करते होंगे। अब ऐसा ये देखा गया है कि भाई जो मनके थे वो उनको बनाने के लिए तकनीक जो थी वो काफ़ी अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करी जाती थी। उनको चित्रकारी के माध्यम से समझाने की कोशिश की जाती थी। आपको ये दिख रहे होंगे मित्र भांड जो है इनमें कुछ आर्किटेक्चुअली ये बनाई हुई है चीज़ों को, जिससे देखा जा सकता है कि हाँ ये लोग क्या कहते हैं कितनी अच्छी तरीके से चीज़ों को बनाना जानते होंगे। कुछ मनके सेलकड़ी चूर्ण के लेप और कोस सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे, थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है। इससे ठोस पत्थर बनाने वाले केवल ज्यामिति आकार के विपरीत कुछ विविध आकार के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, ये आज तक प्राचीन काल की तकनीक में जो इस्तेमाल किया गया होगा वो पुरातत्ववादियों के लिए, आर्कियोलॉजिस्ट के लिए एक पहेली जैसा है। मतलब उन सभी टाइम पीरियड में जिस समय कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती थी तो ये लोग कैसे उन सभी चीज़ों को एक आकार दे दिया करते थे, तो ये थोड़ा सा अलग देखा गया। उसके साथ साथ ये देखा गया कि यहाँ पे जो घिसाई है, पॉलिश है और इसमें छेद करने के साथ साथ की ये प्रक्रिया जो थी, मतलब सिर्फ और सिर्फ
चुनहुदड़ो में नहीं बल्कि लोथल है, वहाँ पे धोलावीरी जो है, लोथल आपके गुजरात में पड़ता है, आपको मैप के माध्यम से दिख रहा होगा। और धोला धोलावीरा जो है वहाँ पर भी छेद करने के विशेष उपकरण मिलते हैं, जहाँ से ये पता चलता है कि इन मनकों के अंदर जो छेद किए गए होंगे वो किससे किए गए होंगे। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो उन इलाकों के अंदर धातुएं मिलती थी, और इसकी मदद से ये लोग उन चीज़ों को आकार दिया करते थे, किसी को कुछ को जोड़ के बनाते थे और कुछ को ऐसे ही बना दिया करते थे। उनके छेद करने के लिए उनके अंदर धातुओं के अंदर जो धोलावीरी है वहाँ पर कुछ उपकरण भी मिले हैं इन लोगों को। अब ऐसा ये देखा गया है कि मैं आपको मैप के थ्रू दिखाना चाहूँगा, नागेश्वर और बालाकोट जो है वहाँ पे कुछ ऐसे ये इलाके हैं जहाँ से ये लोग क्या कहते हैं आपके शंख से बनी हुई वस्तुएं, जैसे चूड़ियाँ होंगी, करछिरिया होगी, पच्चीकारी वस्तुएं, मतलब ये सारी की सारी वस्तुएं जो थी उन्हीं के आसपास मिलती थी। क्यों? क्योंकि ये जो इलाके थे ये समुद्र के तट के पास थे। तो अगेन याद रखिएगा, इसको मैप फिलिंग करने के लिए पेपर के अंदर आ जाता है कि आप ये बताइए कि नागेश्वर एंड बालाकोट कहाँ पे स्थित है। तो मैं आपको दिखा भी दूंगा मैप के माध्यम से, जहाँ से आपको समझ में आएगा कि नागेश्वर और बालाकोट कहाँ पे स्थित है, जो पेपर के अंदर फिल करने के लिए आता है। अब हम ये देखेंगे कि माल प्राप्त करने संबंधित नीतियाँ, मतलब अगर जिन स्थानों के ऊपर सामान नहीं मिलते होंगे वो कैसे दूसरे स्थानों से माल प्राप्त करते होंगे। जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थी, कुछ अनेक पत्थर, लकड़ियाँ, धातु, जलोढ़ मृदाएँ बाहर के क्षेत्रों से मंगवानी पड़ती थी। अब बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि शायद से ये लोग उस टाइम पे सामान लाने और ले जाने के लिए स्थल मार्ग का परिवहन के रूप में इस्तेमाल करते होंगे, और सिंधु घाटी तथा उसके आसपास की जो नदियां हैं वो मार्ग के साथ साथ तटीय मार्ग का भी प्रयोग करती होंगी। यानी कि ऐसा कहा जा सकता है कि जहाँ पे बालाकोट और नागेश्वरम जहाँ पे जैसे इलाके होंगे, उस एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए या तो ये बैलगाड़ियों का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि जिस तरीके से खिलौने पाए गए हैं तो उससे ये सबूत तो मिल ही जाता है कि हाँ, ये लोग शायद से नदियों का और जल मार्ग दोनों का ही इस्तेमाल करते होंगे, जिसकी मदद से हम बोल सकते हैं कि इस तरीके से ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे चीज़ों को लाते ले जाते होंगे। इवन उपमहाद्वीप तथा उससे आगे जाने वाले माल भी थे, मतलब ऐसा ही नहीं था कि ये लोग सिर्फ अपने ही आसपास के इलाकों में चीज़ों को बेचते थे या एक्सचेंज करते थे। क्यों? क्योंकि हड़प्पा वासियों के लिए माल को लाना ले जाना काफ़ी इम्पोर्टेंट माना गया था। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे नागेश्वरा में बालाकोट है, जहाँ पे शंख आसानी से उपलब्ध होते थे, और ये लोग वहीं पे बस्तियाँ इस्टेब्लिश कर लेते थे ताकि जो शंख है जहाँ पे जिसको ज़रूरत पड़ती होगी वो उस स्थान पे दे दिया करते होंगे। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, अफगानिस्तान, यू कैन कॉल अफगानिस्तान बहुत दूर है, वहाँ पर शोरतुघाई करके एक जगह है जहाँ पे बहुत ही कीमती पत्थर माने जाते हैं, यानी कि नीले रंग के पत्थर हैं, ये पत्थर वहाँ पे मिलते हैं। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि उनका ट्रेड बाहर भी होता रहा होगा। लोथल जो कार्निलियन यानी कि गुजरात में एक भड़ोच जगह है जहाँ पर क्या कहते हैं कार्निलियन जो है वो पत्थर पाया जाता था। सेल खड़ी जो उत्तरी दक्षिणी राजस्थान में भी है, यानी कि राजस्थान के इलाके में भी है और उत्तरी गुजरात के इलाके में भी है, और उसके साथ साथ यहाँ पे धातु है वो राजस्थान में भी मिल जाया करती थी, कुछ धातु कहीं और मिल जाया करती थी। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए एक अच्छी अन्य नीति बनाई जाती थी, जैसे कि राजस्थान से ये लोग तांबे के लिए आ जाते थे, दक्षिणी भारत से यानी कि तमिलनाडु के आसपास के इलाके के पास ये लोग सोने के लिए आया जाया करते थे। तो इस तरीके से एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पे अभियान जो था चलता रहता था, और इन सभी चीज़ों से ये पता लगाया जा सकता है कि शायद से ये लोग अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो चुके थे कि ट्रेडिंग सिस्टम कैसे होता है और रॉ मटेरियल जो होती हैं चीज़ें वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान उनके लिए रॉ मटेरियल लाया जा सकता है और फिर बाद में उन्हें बनाया जा सकता है। तो 6.2 समझते हैं। 6.2 में देखा गया है कि दूर के क्षेत्रों से भी शायद से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का संपर्क रहा होगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि ओमान में मिले एक हड़प्पाई मर्तबान, यानी कि यहाँ से ये पता चलता है कि शायद से अरब के इलाकों से भी जो आसपास के इलाके होंगे, जैसे कि दक्षिणी पश्चिमी छोर पर स्थित एक ओमान से लिया जाता होगा।
इस तरीके से बताया जा सकता है कि कुछ अंश जो मतलब एक रसायन विज्ञान होता है उसमें इन लोगों ने इनके निकल के पार्ट को देखा। ओमानी तांबे और हड़प्पाई वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिलते हैं जो दोनों की साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। शायद से इससे ये पता चल सकता है कि जिस तरीके से हड़प्पाई मर्दबान था उसके ऊपर जो ये काली मिट्टी की ये मोटी परत चढ़ा के रखते थे, जैसे कि आपको इसमें दिखाई भी दे रहा होगा, इससे ये पता चलता होगा कि शायद से ये लोग कुछ रिजाव के बचाने के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे या इसके अंदर कोई तरल पदार्थ रखते होंगे, तभी शायद से ये लोग काली मृदा जो है, काली मिट्टी जो है, इसके ऊपर चढ़ा के रखते होंगे। अब ये ऐसी मोटी परत होती थी कि जिसका पता लगाना इम्पॉसिबल होता था कि भाई ये रखते किस वजह से होंगे, लेकिन हाँ ये तय ज़रूर था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इसमें सामान रखने के लिए ओमानी तांबे से ही चीज़ों को लाते और ले जाते रहे होंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि तांबे के लिए शायद से वो लोग अरब की कंट्रियों के साथ यानी कि मेसोपोटामिया, जहाँ पे आपने 11th क्लास में हिस्ट्री पढ़ी थी, आपने देखा था कि वो लोग भी कैसे व्यापार किया करते थे। तो शायद से कुछ प्रूफ आपके हड़प्पा सभ्यता के अंदर मिलते हैं और कुछ प्रूफ आपको मेसोपोटामिया के अंदर मिलते हैं, और जो लोग जो साइंटिस्ट हैं जो विश्लेषण करते हैं वो बताते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे भी कुछ ऐसे अंश हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे बता रखा है कि मेसोपोटामिया के स्थल पर मिले कुछ तांबे में भी निकल के अंश मिलते हैं, जिससे ये पता कर सकते हैं कि लंबी दूरी से संपर्क की ओर संकेत करने वाले जितने भी पुरातत्व खोजी हैं उनमें से हड़प्पा की मोहरें हैं जो थोड़ी बहुत तो मेसोपोटामिया के अंदर मिली हैं, जिससे पता लगाया जा सकता था कि हाँ ये लोग इनसे व्यापार करते होंगे। और इसके साथ साथ तो बाट है यानी कि वेट्स है, पासे हैं, मनके हैं, इन सभी चीज़ों से देख कर कहा जा सकता है कि शायद से ये लोग मेसोपोटामिया के सभ्यता के लोगों के साथ भी व्यापार करते थे, क्योंकि वो भी इतनी पुरानी सभ्यता है, ये भी इतनी पुरानी सभ्यता है। बस दोनों में अंतर ये है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता को उनकी लिपि को पढ़ा जा चुका है, लेकिन इनकी लिपि को आज तक नहीं पढ़ा गया है हड़प्पा सभ्यता की। तो इस तरीके से नाव के चित्र वाली मोहर आपको दिखाई दे रही होगी, इसमें नाव का चित्र बना हुआ है, एक मोहर है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बताया जा सकता है कि ऐसा संभव है कि ओमान है, बहरीन है या मेसोपोटामिया, इनसे शायद से हड़प्पा सभ्यता के लोगों का समुद्री संपर्क रहा होगा। जिस तरीके से ये लोग बालाकोट और नागेश्वर जैसी जगहों पर पानी के माध्यम से, जहाज़ों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे, तो शायद से ये लोग उन स्थानों पर भी अपने सामानों को लेके जाया करते थे। तो इसके अतिरिक्त हमें मोहरों पर जहाज तथा नावों के चित्रण से ही पता चल सकता है कि ये लोग शायद से मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार किया करते थे और वहाँ पे ये लोग ट्रेडिंग के लिए तांबे का इस्तेमाल किया। तो इसी के साथ अगर हम मोहरे, लिपि और बाट के बारे में समझे तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि जब मान लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया के देशों के साथ अगर व्यापार किया करते होंगे तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे सामानों को सुविधाजनक ले जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा, जिसकी वजह से पता चलता होगा कि सामान में कोई घपलेबाजी नहीं हुई है, इसलिए मोहरों का और मुद्रांकन का इस्तेमाल बहुत आसानी से किया जाता होगा। जैसे कि मान लीजिए कि सामान से भरा एक थैला है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना है, उसका जो मुंह का हिस्सा है उसे रस्सी से बांध दिया जाता है, लेकिन उसके साथ में गीली मिट्टी जो है उस पर जमा करके उसके मुंह के इलाकों पर उसे थोप दी जाती है। जैसे कि एग्जांपल आपको यहाँ देखने को मिल सकता है, ये एक सामान है, इसके ऊपर मिट्टी का हिस्सा है जो थोप दिया गया है, और उसके ऊपर फिर ये लोग क्या करते थे, अपनी मोहर जो होती थी उसकी स्टंप मार देते थे, और अगर ये जो मोहर की स्टंप मारने के बाद वो मिट्टी अगर नहीं हटी है तो इससे ये पता चल सकता है कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो इनका एक अपना तरीका होता था मोहरों को इस्तेमाल करने का। तो अगर हड़प्पा सभ्यता की लिपि के बारे में समझे हम, तो ये लिपि जो है ज़्यादातर ये लोग क्या करते थे कि अधिकांश अभिलेख जो हैं संक्षिप्त हैं। सबसे लंबा जो अभिलेख अभी तक मिला है वो 26 शब्दों का है। यह लिपि आज तक पढ़ी तो नहीं गई है कि इसमें एक्चुअली में लिखा क्या हुआ है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इनके अंदर, जैसे कि हमारी हिंदी के अंदर इंग्लिश के अंदर ABCD पाई जाती है, स्वर है, वोवल्स हैं, और हिंदी के अंदर हमारे व्यंजन हैं,
और आपके स्वर हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो चिन्हों की संख्या, जो सिंबल्स पाए गए हैं, वो 300 प्लस और 400 के बीच में पाए गए हैं। इवन बस एक आंकड़ा है, शायद से इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं किताबों के अंदर, तो बस आपको नॉलेज के लिए बताया गया है। कभी कभार ऐसा प्रतीत होता है कि इनकी लिखने की जो कला थी, ये लोग राइट से लेफ्ट की तरफ लिखते थे, जैसे आज की डेट में मॉमडन्स लोग अपनी लिपि को लिखते हैं, तो उस टाइम पे शायद से ये लोग भी इन्हीं लिपि का इस्तेमाल करते थे। और अगर हम बाट की बात कर लें, बाट यानी कि वेट जो होते हैं सामानों को तौलने के लिए, आपको पता है कि बाटों का इस्तेमाल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहा होगा। इसीलिए ये लोग क्या करते थे कि इन बाटों को क्या कहते हैं, एक आधार दिया करते थे, 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 16 किलो, ऐसे करते करते ये लोग 32,800 किलो ऐसे समथिंग ये वेट बनाते थे। और ये लोग ज़्यादातर क्या करते थे कि छोटे बाट जो होते थे उनको वेट करने के लिए, आभूषण या मनकों के वेट करने के लिए इस्तेमाल तौलने के लिए करते होंगे। और उसके बाद बड़े बड़े चीज़ों के लिए, बड़े जैसे कि मैंने आपको माल गोदाम दिखाया था, उसमें गोडाउन में ये लोग जब सामानों को तौलते होंगे, अनाज को तौलते होंगे, बड़ी मात्रा में अनाज को तौलते होंगे, तो इन बाट्स का इस्तेमाल बड़े रूप में करते होंगे। यहाँ पे जैसे आज प्रेजेंट टाइम पे हमारे पास बाट्स होते हैं 1 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो, ये बाट्स उन बाट्स से बहुत ज़्यादा अंतर करते थे। इनमें कोई वेरिएशन नहीं होती थी, कुछ भी किसी टाइप के बाट्स बना लेते थे ये लोग अपनी सुविधा अनुसार। इनका वेट ये लोग अपने सामानों को तौलने के लिए किया करते थे। तो अगर और वीडियो के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर करे, लेकिन आज तक हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई जटिल बात प्रूफ ये हो नहीं पाई कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी जटिल फैसले लेने वाले कोई राजा हुआ करते होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक पुरोहित राजा की एक इमेज आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से ये पता लगाया जा सकता है कि शायद से जिस तरीके से पहले के टाइम पीरियड पे हमें हड़प्पा के अंदर जो पुरानी वस्तुएं मिली थी वो असाधारण रूप से एक समान ही थी, जैसे कि मृद भांडों से लेके मोहरे, बाट, ईंट की स्पष्ट मैं बोल सकता हूँ कि चौड़ाई या लंबाई, इन सभी चीज़ों से ये लोग पता लगा सकते थे कि शायद से उस टाइम पे फैसले लेने वाला कोई ना कोई पर्सन या राजा हुआ करता होगा। जैसे कि जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की ईंटें पाई गई। हम ये भी देख सकते हैं कि अलग अलग कारणों से बस्ती जो है विशेष स्थान पर आवश्यकता अनुसार स्थापित की गई होगी। यानी कि जैसे कि हमने देखा कि नागेश्वरम में और बालाकोट के अंदर हमने देखा कि वहाँ पे शंख के इकट्ठा करने के लिए वहाँ पे बस्तियाँ बनाई गई थी। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो ईंटें बनाने और विशाल दीवार तथा चबूतरे के निर्माण के लिए भी बहुत लंबी चीज़ों में यहाँ पे श्रमिकों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो उसको भी कोई ना कोई करता होगा। तो ये सभी चीज़ों से पता चलता है कि इतना बड़ा सिस्टम अकेले किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं चलाया गया होगा, वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई प्रमुख राजा होगा और उनके कमांड के अनुसार ही काम चलते होंगे। आगे अगर हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ें, 8.1 की तरफ, तो आप देखेंगे इसमें लिखा है प्रसाद और शासक। यहाँ प्रसाद का मतलब किसी मंदिर के प्रसाद से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पे विशाल भवन को एक प्रसाद की संज्ञा दी गई है। और शासक यानी कि यहाँ पे एक विशाल भवन के अलावा पूरे हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के जितने भी साइट थी, मोहनजोदड़ो के जितने भी साइट थी, उन सभी में सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति मिली है, जिसे इन लोगों ने एक पुरोहित राजा की संज्ञा दी है। अब देखिए, ये नाम शुरुआत से रखा गया था, इसीलिए उस टाइम से ही ये नाम प्रचलित है और बहुत फेमस है ये वर्ड। अब इसी चीज़ों को देखते हुए ये सारी समानताएं जो सिंध घाटी में मिलती हैं, और क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के कल्चर को मेसोपोटामिया के कल्चर से रिलेट किया जाता है, इसकी वजह से, क्योंकि जो पुरातत्व वेदा है, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं पुरातत्ववेदी, वो लोगों को पता है कि मेसोपोटामिया के अंदर भी क्या कहते हैं पुरोहित राजा हुआ करते थे, वहाँ पे भी राजा हुआ करते थे। तो शायद से इस बेस पे ये भी कहा जा सकता है कि इन्हीं समानताओं को लेके सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी राजा होते होंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर काफ़ी मतभेद भी हैं, जैसे कि कुछ पुरातत्ववेदा मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता समाज में शासक नहीं थे और सभी को सामाजिक स्थिति समान थी सभी की, लेकिन
वही सेम कुछ हड़प्पा सभ्यता में के अंदर दूसरे पुरातत्व वेदा हैं जो समय के साथ साथ आए। उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता है। उनका मानना ये है कि वहाँ पे कई शासक थे, जैसे कि मोहनजोदारो का एक अपना शासक होगा, हड़प्पा सभ्यता का अलग होगा, मतलब हर प्लेसेस का अलग अलग राजा होता हुआ होगा। इस हिसाब से वो कह सकते हैं, उन्होंने तर्क दिया कि यहाँ पर क्या हड़प्पा समाज में सभी लोग समान रहते होंगे, तो ये क्वेश्चन भी एमर्ज होता है। अभी सारे प्रूफ्स तो मिलते हैं हमें कि वो लोग कुछ जब मरने के बाद चीज़ें होती थी किसी स्थान पे, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग चीज़ें दफनाई जाती थी, और उनका रहन सहन भी थोड़ा अलग था, तो इन सभी चीज़ों से हम बोल सकते हैं कि शायद से वो लोग अलग रहते हों, है ना। तो यहाँ पे पुरातत्व वेदा जो बोलते हैं कि हर जगह के अलग अलग राजा होते होंगे, और कुछ पुरातत्व वेदा आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि राजा नहीं होते होंगे। तो इन सभी डिबेट्स को अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो जो मानते हैं राजा होंगे वहाँ पर, तो उस हिसाब से उनका ये मानना है कि भाई अगर ये प्लानिंग करके यहाँ पे बस्तियाँ बनाई गई है, तो वो भी किसी राजा के थ्रू बनाई गई होगी। ईंटों के आकार को निश्चित करना जो पूरे के पूरे हड़प्पा सभ्यता की साइट्स में मिलते हैं, वो भी राजा के द्वारा ही होगा। बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत समीप स्थित, जो इन लोगों ने स्पष्ट रूप से बताते हैं कि ये लोग कच्चे माल के लिए नदियों के पास आसपास के इलाकों में इनकी स्थापना कर दिया करते होंगे। तो इन सभी चीज़ों से पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वहाँ पे रही होगी और वहाँ पे राजा होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट है सभ्यता का अंत, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी उसका अंत जो हुआ वो किन कारणों से हुआ या कैसे हुआ, उन सभी के ऊपर आज तक कोई विशेष मत नहीं है, क्योंकि अलग अलग पार्ट पे अलग अलग तरीके से अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो लगभग 19th सेंचुरी में जब लोगों ने दोबारा वहाँ पे रहना चालू करा होगा उन प्लेसेस पे, तो वहाँ पे जब उन्होंने चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक सांस्कृतिक बदलाव देखे, तो उससे वहाँ पे उन लोगों ने बाट देखे, मोहर देखी, मानक देखे, ये सभी चीज़ों को लंबी दूरियों से लाया जाता होगा। लेकिन आज तक ये पता नहीं चल पाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता किन कारणों से ख़त्म हुई है। देखो ये सारे के सारे प्रिडिक्शन बेस है, इसको आप फैक्ट मत मानिएगा, लेकिन बस एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी इतनी बड़ी सभ्यता का विनाश होने का कारण क्या हो सकता है। जैसे कि बहुत से आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि शायद से जलवायु परिवर्तन हुआ हो, इसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया हो, वनों की ज़्यादा कटाई हो, ये कारण हो सकता है, अत्यधिक बाढ़ आ गई हो, क्योंकि वैसे भी वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के पास रहते थे। आपने मोहनजोदारो अगर फिल्म देखी हो तो उसमें आपको वो सीन याद आया होगा जहाँ पे बहुत गंदी तरीके से बाढ़ आ जाती है और पूरा की पूरी सभ्यता नाश हो जाती है। ये एंड सीन इसी के बेस्ड पे था उस फिल्म के अंदर, तो मैं प्रूफ तो नहीं कह सकता, लेकिन वो अपने राइटर की सोच है, तो एक मत नहीं है, क्योंकि अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग चीज़ें मानते हैं। नदी का सूख जाना या मार्ग बदल लेना, भूमि का अत्यधिक उपयोग, ये सभी कारण हम बोल सकते हैं कि इसी वजह से हड़प्पा सभ्यता के साम्राज्य का पतन हुआ होगा। नेक्स्ट पॉइंट, हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी कि इतने टाइम पुरानी व्यवस्थाएं थी, इतने टाइम पुरानी चीज़ें थी, तो आप बोल सकते हैं अभी तक हमने सारा हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, लेकिन अगर मैं मानूं कि मतलब जब अवशेष लोगों को मिलने चालू होते होंगे, तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता होगा कि कैसे ये पता लगाएं कि भाई ये किस सभ्यता से रिलेटेड चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के शहर जो थे धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे थे, उनके विषय में लोग भूलते जा रहे थे, इतना टाइम पुराना पीरियड किसी को याद भी नहीं रहता है। तो ऐसे टाइम पीरियड पे जब लोगों ने धरती के अंदर से चीज़ें देखी होंगी कि अपरिचित चीज़ें, यानी कि ऐसी चीज़ें जो इतनी पुरानी जो कभी उन्होंने देखी ही नहीं, तो इन सभी चीज़ों की मदद से पता चला कि शायद से ऐसी कुछ सभ्यताएं होती होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे भारत के अंदर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग खोला गया, और जिसके पहले डायरेक्टर जनरल जो थे वो जनरल कनिंगम थे। उन्होंने 19वीं शताब्दी की शुरुआत से ही पुरातत्व उत्खनन का आरंभ किया था। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये वो लोग हैं
भारत में पुरानी चीजों की खोज करते होंगे। आर्कियोलॉजिस्ट का काम यही होता है, इतिहास में पुराने चीजों से रिलेटेड चीजों को ढूंढना। तो यहाँ पे जब लोगों ने इन चीजों को ढूंढना चालू किया होगा, तो ये पता चला होगा कि भाई उस टाइम पे वैसे तो भारत गुलाम था, लेकिन इन लोगों को इंटरेस्ट था, ये चाहते थे कि देखना चाहते थे कि भाई इतिहास में क्या है। तो शुरुआती समय में उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इनको कनिंगम को समझ में नहीं आ रहा था कि किस सभ्यताओं से रिलेटेड चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा जाता था कि जब कभी भी कोई भी इतिहास ढूंढता था तो वो लिखित स्रोतों के बेस पे ही चीज़ों को जान पाता था। लेकिन हड़प्पा सभ्यता इतनी पुरानी सभ्यता है कि इसके बारे में कोई लिखित स्रोत हमें मिलता ही नहीं था। उन्होंने सोचा, चलो ठीक है, क्या पता उस टाइम पे उस महाद्वीप के आसपास कोई चीनी यात्री, कोई बौद्ध यात्री, तीर्थ यात्री शायद से उन इलाकों के पास आए होंगे और उन्होंने कुछ अपनी किताबों के अंदर उनके बारे में कुछ लिखा होगा। लेकिन कनिंघम ने अपने सर्वेक्षण के दौरान मिले अभिलेखों के संग्रहण, प्रलेख तथा अनुवाद भी किए, और उत्खनन के समय वे ऐसी प्रवस्तुओं को खोजने का प्रयास करते थे जो उनके विचार में संस्कृति की महत्व चीज़ें बताती होगी। लेकिन यहाँ पे भी उनको क्या कहते हैं, समझ में नहीं आ रहा था कि ये जो सही मायने में ये जो चीज़ें मिल रही है, ये कितनी पुरानी चीज़ें हो सकती है। सो फाइनली एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे 19वीं शताब्दी में कभी कभी उन्हें ऐसी अजीब अजीब चीज़ें मिलनी चालू हो गई, और उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज़ें कितनी पुरानी हो सकती है, कितनी प्राचीन हो सकती है। तो एक अंग्रेज ने क्या कहते हैं कनिंघम को एक हड़प्पाई मोहर सौंपी, और उन्होंने मोहर पर ध्यान दिया तो उन्हें उसे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा पुराने कालखंड की बात का एहसास दिला रहा है, और वो पढ़ने में उससे असफल थे। लेकिन अच्छे तरीके से कनिंघम को पता था कि वो मानते थे कि उन्हें पता भी था और वो मानते भी थे कि भारतीय इतिहास का जो प्रारंभ हुआ था शायद से वो गंगा घाटी के आसपास इस्टेब्लिश हुआ होगा, और यहीं पे सबसे पहले शहरों की इस्टेब्लिशमेंट या सभ्यताओं का निर्माण हुआ होगा। लेकिन उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। अब हुआ क्या, समय बीता और 20वीं सेंचुरी आ गई। 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में मैं बोल सकता हूँ दयाराम साहनी, ये भी एक हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड काम करने वाले आर्कियोलॉजिस्ट थे जो जॉन मार्शल के अंडरटेकिंग में काम कर रहे थे। यहाँ पे उन्होंने एक मोहर की खोज निकाली जो निश्चित रूप से आरंभिक इतिहास के स्तरों से कई अधिक प्राचीन थी, मतलब जो स्टंप मिलती है लोगों को उससे बहुत ज़्यादा पुरानी थी। और उसी की दूसरी जगह पे मोहनजोदारो के अंदर भी रखलदास बनर्जी ने जो क्या कहते हैं एक और स्टंप निकाली। तो इन सभी चीज़ों से ये पता लगाया गया कि शायद से ये दोनों की दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से रिलेटेड होंगी, और जो स्टंप यहाँ पे मिल रही है, जो मोहरे यहाँ पे मिल रही है, वही मोहरे हड़प्पा सभ्यता के अंदर भी मिल रही है। तो इन सभी चीज़ों से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि दोनों के दोनों पुरास्थल जो है एक ही संस्कृति से रिलेटेड है, और शायद से ये दोनों एक ही चीज़ से रिलेटेड हो सकते हैं, और इनकी चीज़ों के बीच में कुछ 19-20 का डिफरेंट हो सकता है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए सिंधु घाटी सभ्यता जो एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की गई और कहा गया कि इसी के ऊपर काम चलेगा। यहाँ पर नई तरीके से नई तकनीक का इस्तेमाल किया गया, किनके द्वारा? क्योंकि 1924 के अंदर तो हमारे जॉन मार्शल थे, लेकिन 1944 तक आते आते हमारे नए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर जनरल बनते हैं, वो हमारे बनते हैं R.E.M. व्हीलर, इन्हें बोलते हैं R.E.M. व्हीलर। ये इन्होंने क्या कहते हैं अपनी हड़प्पा सभ्यता की साइट को खोदने के लिए एक स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक महत्व दिया इसे, और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जॉन मार्शल जो थे खुदाई करते थे और हड़प्पा सभ्यता की पुरानी साइट्स को ढूंढते थे, वो तरीका शायद से उनसे थोड़ा सा अंतर है। अब यहाँ पे ये देखा गया कि भाई आज़ादी के बाद जब भारत का विभाजन होता है और पाकिस्तान जो है वो काफ़ी अलग उपमहाद्वीप हो जाता है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे अब पाकिस्तान के क्षेत्र में आ गए। इसी कारण से भारतीय पुरातत्व विभाग जो था उसने अपने ही इलाकों के अंदर क्या कहते हैं कोशिश करा कि इन हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड साइट्स को ढूंढा जाए।
इसलिए इन लोगों ने क्या करा, कच्छ में हुए एक सर्वेक्षण से उन्होंने कई हड़प्पाई सभ्यताओं पर प्रकाश डाला और उन्होंने फिर पंजाब के अंदर और हरियाणा के अंदर, यानी कि ये तीन स्टेट है जहाँ पर आप देखेंगे, कच्छ यानी कि गुजरात के अंदर, पंजाब तो अलग ही स्टेट है ही, और हरियाणा, इन तीनों स्टेट्स के अंदर उन लोगों ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग सभ्यताएं जो हड़प्पे सभ्यता से रिलेटेड थी उन सभी चीज़ों को ढूंढा। जैसे कि इन्होंने कालीबंगन और उसके बाद लोथल, राखी गढ़ी और हाल ही में उन्होंने धोलावेरी ढूंढा। तो इन सभी चीज़ों से पता लगाया जा सकता है कि वो लोग समय समय पर उत्कन चीज़ों को ढूंढते हैं और प्रयास करते हैं, और उनका प्रयास आज भी जारी है। अब यहाँ पे 1980 के दशक में हड़प्पा पुरातत्व जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती ही जा रही है, और इंटरनेशनल लेवल से लोग यहाँ पे आते हैं और इन सभी चीज़ों के बारे में ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि मेसोपोटामिया की सभ्यता भी इन्हीं से रिलेटेड है, तो शायद से आज भी अनसुलझे रहस्य हैं जो हमें जानने को मिल सकते हैं, जो हड़प्पा सभ्यता की जैसे लिपि नहीं पढ़ी जा सकती आज भी, तो कोशिश कर रहे हैं उन पे काम करने की। हड़प्पा सभ्यता और मोहन जोदड़ो जो है, दोनों उपमहाद्वीप जो है, विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य कर रहे हैं उस पे आज भी। वहाँ के वैज्ञानिक जो है ऐसा प्रयास करते हैं कि उनमें मिट्टी है, पत्थर है, और उसके साथ साथ वहाँ की वस्तुएं हैं, वनस्पति है, जानवर के अवशेष है, इन सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से क्या कहते हैं ये अन्वेषण कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और शायद से उनको भविष्य में आशा दिख रही है कि इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त की जा सकती है। तो वीडियो के पार्ट में ही बताया गया है कि अतीत को जोड़कर पूरा करने में समस्या, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि जितने भी हमारे डायरेक्टर जनरल आए थे आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट के, उन सभी को, आपको क्या लगता है कि किसी भी हिस्ट्री को ढूंढना इतना आसान हो सकता है? आज की डेट में सीबीआई जो होती है केसेस को ढूंढने के लिए इतने सालों साल लगा देती है सीबीआई हमारी जो होती है। अब ये सोनी टीवी पे चलने वाले चैनल के सीआईडी की तो मैं बात कर नहीं रहा हूँ कि वो कुछ बोले या कुछ गड़बड़ है और क्लू एक से एक जुड़ते चले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इवन इतनी पुरानी हिस्ट्री, इतना ज़्यादा बैकवर्ड साइड पे जाने के लिए हमें समझना ज़रूरी ये होगा कि इतनी पुरानी हिस्ट्री जो है सही मायने में कैसे किससे जुड़ रही है चीज़ें, तो एक आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वस्तुएं उनके पास उस समय पे मृत भांड थे, कुछ औजार थे, आभूषण थे, घर के अंदर यूज़ होने वाली चीज़ें थी। अब इवन अगर कपड़े की बात करें, चमड़े की बात करें, लकड़ियों की बात करें, तो वो तो समय के साथ साथ सड़ जाती थी, और अगर वो बनती भी होंगी तो शायद से वो दोबारा यूज़ करने लायक नहीं होती होगी। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि यदि अगर वो बनती हैं तो उनको दोबारा यूज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे आर्कियोलॉजिस्ट को किसी हिस्ट्री का पार्ट एक हिस्ट्री से जोड़ना और उसका संबंध उस दूसरी वस्तु से संबंध पे लगाना अपने आप में इनक्रेडिबल है। जैसे कि सबसे अगर 1.1 की बात करें, खोजों का वर्गीकरण करना, यानी कि पुरातत्ववादी जो होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, चाहे पत्थर हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे धातु हो, हस्ती हाथी के दांत हो, इन सभी चीज़ों को वो वर्गीकरण करते थे, यानी कि क्लासिफिकेशन करते थे, और ये तय करते थे कि कौन सी वस्तु किस चीज़ में हो सकती है। जैसे कि कोई वस्तु मान लीजिए कि एक औजार है, एक आभूषण है, या फिर दोनों अनुष्ठान के लिए प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं हैं। ऐसे टाइम पे कंफ्यूज रहते होंगे आर्कियोलॉजिस्ट थे, वो क्या करें, कैसे इनको सही तरीके से कहाँ पे पुटअप कर पाए, है ना? तो ये एक प्रॉब्लम रहती होगी। और उसके साथ साथ आप बोल सकते हैं कि जो पुरा वस्तुएं हैं उसका उपयोग जो है उसको समझना और उसको आधुनिक समय में इसको समानता लाना, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ मन के चक्कियाँ, पत्थर, फलक, पात्र, इन सभी के एक स्पष्ट उदाहरण है। यानी कि जब ये लोग इनको प्रूफ करके दिखाते होंगे तो उनका प्रेजेंट टाइम पे भी यूज़ देखते होंगे। प्रातत्ववादी किसी पुरा वस्तुओं की उपयोगिता को समझने का प्रयास उनके संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते थे, जिससे वह मिलती थी, क्या वह घर से मिली है, क्या वह नाले से मिली है, मतलब ये पूरी तरीके से तय करना ज़रूरी होता था कि इनका अन्वेषण हुआ कहाँ पे है। दूसरा, कभी कभार उनको ये भी तय करना पड़ता था कि उन्हें एक एक तो होते हैं डायरेक्ट प्रूफ, एक होते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। कभी कभार उन्हें इनडायरेक्ट चीज़ों का भी प्रूफ लेना पड़ता है, जैसे कि मतलब वो
अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि यार अगर हड़प्पा सभ्यता के अंदर कपास के टुकड़े मिलते हैं या कपास जो भी रुई है उससे रिलेटेड चीज़ें मिलते हैं या पहनाव के विषय में अगर उनको जानकारी निकालनी है तो उन्हें अप्रत्यक्ष चीज़ों पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। जैसे कि मूर्तियों के चित्रण पे अगर महिलाएं जो है कपड़े पहन के बैठी हुई हैं तो इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ शायद से वो लोग कपड़े भी पहना करते होंगे। तो ये समस्या रहती होगी उनके साथ। और हमने ये भी देखा कि पहली बार प्राप्त जो मोहरे होती थी उनको समझ पाना बहुत मुश्किल होता था। जब तक पुरातत्व वेदा को ये समझ में नहीं आया कि इसका संदर्भ शायद से उनकी संस्कृति या मेसोपोटामिया से मिलीजुली खोज से रिलेटेड हो सकता है, इन चीज़ों का पता लगाना बहुत मुश्किल था उस टाइम पे कि भाई ये किससे रिलेटेड हो सकता है। तो ये एक समस्या बोल सकते हैं। अगर इन सभी चीज़ों को एनालाइज करें वो लोग और इसकी व्याख्या करें तो उनमें भी इनको समस्या हमेशा पैदा रहती थी। पैदा रहने का मतलब ये होता है क्योंकि जितनी भी वस्तुएं उनको मिलती थी वो असमान तरीके से होती थी, जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं। तो इन सभी का धार्मिक महत्व लगाना, उन आभूषणों को बताना कि ये शायद से किसी देवी की या किसी व्यक्ति की किसी नारी की हो सकती है, तो इन सभी की व्याख्या करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि अभी महिलाओं की आपको मूर्ति दिख रही है, क्या ये मूर्ति जो है किसी महिला की हो सकती है या ये क्या मूर्ति किसी, हमने इन लोगों ने क्या कहते हैं ज़मीन की देवी को संज्ञा दिया, इन्होंने कहा ये ज़मीन की देवी है। और पुरुषों की भी बहुत कम मूर्तियाँ मिली है क्योंकि इतना पुराना फैक्ट ढूंढना बहुत मुश्किल है। एक आध मूर्तियाँ अगर गलती से मिल जाती थी तो आपने देखा था कि उन्होंने उसे पुरोहित राजा के विशेष में संज्ञा दे दी और कहा कि भाई एक राजा है जो पूरे हड़प्पा सभ्यता के अंदर राज करता होगा और वही तय करता होगा कौन क्या करेगा, कौन कैसे करेगा काम, ये सारी चीज़ें। उसके साथ साथ उन्हें विशाल स्नान गृह मिले और कारी बंगन के अंदर और लोथल के अंदर उन्हें क्या कहते हैं कुछ प्रूफ मिले, वेदिकाएं मिली। इन सभी चीज़ों से पता लगाया जा सकता था और व्याख्या की जा सकती थी कि शायद से ये लोग धार्मिक अनुष्ठान भी करते होंगे। इसके साथ साथ अगर मोहर की बात करें तो मोहर पे ज़्यादातर अनुष्ठान के दृश्य बनाए जाते थे, उससे उनकी धार्मिक आस्थाएं और प्रथाओं के बारे में पता चलता था। पौधों ज़्यादातर मोहरों के ऊपर पेड़ पौधे और जानवरों की चीज़ें मिलती थी, जिससे ये पता चलता होगा कि वो जानवरों को काफ़ी इम्पोर्टेंट मानते होंगे। इवन अगर उसके अपोजिट साइड में देखें तो कभी कभी जानवरों के साथ कुछ और चीज़ें मिल जाती, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे अश्व शिव, यहाँ पे एक मोहर है यहाँ पे बनाने की कोशिश करी गई है। अश्व शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप में संज्ञा दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि पत्थर की शंकुआकार जो वस्तुएं होती थी वो लिंग के रूप में वर्गीकृत की जाती होंगी और हड़प्पाई धर्म जो है कई पुनर्निर्माण के अनुमान और इसके आधार पर पता लगाया जाता होगा कि शायद से ये लोग उनसे भी रिलेटेड हो सकते हैं। तो उदाहरण के लिए अगर हम बात करें जो पौराणिक परंपराएं हैं वो शिव के लिए एक प्रयुक्त नाम यूज़ नहीं करती थी अलग अलग टाइम पे। शिव के विपरीत में यहाँ पर ऋग्वेद के अंदर जो पहला क्या कहते हैं हमारा ग्रंथ माना गया था उसमें रुद्र को ऋग्वेद ने पशुपति का नाम दिया और यहाँ पर सामान्य रूप से जानवरों को और विशेष रूप से मवेशियों के स्वामी को पशुपति बोला जाता था। तो मतलब इसका अंतर कर पाना और व्याख्या कर पाना बहुत मुश्किल होता था और ना ही एक योगी के रूप में देखा गया। और दूसरे शब्दों में ये बताया जा सकता है कि यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के वितरण से मेल नहीं खाता। तो इन सभी चीज़ों से क्या क्या फिर ये कोई संबंध था या कोई जैसे विद्वान ने सुलझाया, मतलब ये बताया जा सकता है कि शायद से हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं अगर वो कोई शमन हो सकते हैं तो मतलब आप समझ सकते हैं वो एलियन माने जा सकते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट आज भी सोचते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो आए थे इस पृथ्वी पे इतना सब कुछ बड़ा काम करके चले गए वो कहाँ चले गए। देखिए यहाँ पे शमन का एक एग्जाम्पल दे रखा है, यहाँ पे आपने देखा होगा SCTV 18 के ऊपर आज भी बहुत सारे दावे किए जाते हैं कि ये सारे के सारे लोग शायद से एलियन हो सकते हैं क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई जानकारियाँ और उनको ढूंढ पाना इनकी भाषाओं को समझ पाना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये वो महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्तियाँ उनके पास होती थी। साथ साथ उन्हें ऐसा कहा जा सकता था कि वो दूसरी दुनिया से क्या कहते हैं संपर्क साधने में समर्थक दावा करते थे। तो ये चीज़ हड़प्पा सभ्यता के लिए आर्कियोलॉजिस्ट बहुत तरीके से साइंटिस्ट जो इनके अंदर इन्वॉल्व हुए थे 1980 के दशक के बाद और उसके बाद इन्होंने पाया कि शायद से ये लोग
अब ये नहीं हो सकते, इनके बारे में प्रूफ नहीं मिल रहा, कुछ मूर्ति नहीं मिल रही, सारी व्याख्या सिर्फ और सिर्फ सबूतों के मद्देनज़र रखते ही व्याख्या की जा रही है। तो इन सभी चीज़ों से बताया जा सकता है कि वो लोग शायद से एलियन भी हो सकते होंगे। ये आप बताएंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट इन चीज़ों को अगर सोचते हैं समझते हैं तो बहुत समय लगाते हैं, इतना टाइम अपना वेस्ट करते हैं, जब जाके हमें किसी इतिहास के बारे में, किसी सभ्यता के बारे में समझ में आता है। तो अभी भी इसके ऊपर गुत्थी बनी हुई है कि शायद से क्या ये लोग एलियन थे या एलियन नहीं थे, या सही मायने में ये धरती पे आए थे तो कब चले गए, कुछ पता नहीं। सो गाइस, बहुत तगड़ा इसमें रहस्य बना हुआ है जो आज भी आर्कियोलॉजिस्ट इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सो गाइस, मेरी तरफ से दिस इज़ इट इन दिस क्लास और वी हैव फिनिश दिस चैप्टर। तो लास्ट में दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ईट पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं, तो ईट पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में, वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।